बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस अरे जयपुर में तो चलता है हिंदी में है इधर हिंदी भी चलता है ना नहीं यार तो नेपाली देश है ना हिंदी तो हिंदी तो नेपाली है ना पर काफी हिंदी है फिर नेपाली है लोकल भाषा नेपाली है पर हिंदी भी पढ़ते हैं मीडिया में पढ़ गया ना ये इंडिया में पढ़ी तो ये सारे हिंदी पढ़ते स्कूल में सब कुछ कम हिंदी कम पढ़ते एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ना जरूरी होता है बाबा इंडिया नंबर वन चल रही है आपको भी ऐसे ही चलना है बोला खेल में आजकल जो खेल हो रहे हैं दुनिया में उसमें इंडिया मोस्टली अच्छे नंबर में आ रही है ऐसे ही बाप दादा ने बोला कोई ऐसा खेल प्रसिद्ध करो जिस खेल खेल में सर्विस हो जाए वो खेल है वो खेल कि खेल ही तो खेल रहे हैं हम लोग है दुनिया वाले भी खेल खेलते हैं लेकिन उन्होंने जो खेल खोल खेला और दुनिया वालों के साथ हमने भी तेरे सृजन खेल खेला पतंग का एग्जांपल लिया जाए तो नीचे गिरे या ऊपर उठे क्या हुआ पतंग नीचे गिरे लेकिन अब हम ऐसा खेल कोई करके दिखाए संसार के सामने कि वो खेल खेलने में पतन न हो नीचे न गिरे हमारी मेंटेलिटी ऊपर चढ़ जाए हमारी संकल्प शक्ति ऊपर चढ़ जाए हमारी कर्मणा भी श्रेष्ठ बन जाए हमारी वाइब्रेशन भी श्रेष्ठ बन जाए और इतने श्रेष्ठ बने जो दुनिया के सब जीव जंतु को सहाल हो जाए आपके अध्यक्ष भाई में तीन भाई आचार नयन गायत्री कहा हमारे देश में भी तो है एडवांस में दौड़ विदेशी बोला तो एडवांस हो गया इसमें ये इशारा किसके प्रति दिया एडवांस में तीन देवियों को ही तीन गायत्री कहा जाता है ब्रह्मा के साथ सरस्वती विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती आशा बहन को मैं जो समझता सुनाई आशा बहन जो सर्विस समझता सुनाई थी ना लगी आशा बता रहे हैं भेद का सब तो मजा होता है जिनसे बहुत आशा है हम और बाबा वो जो बिना खाद के सब्जी कुछ ऐसी बात चली कि जो सब्जियां उगाते हैं उन सब्जियों को बोने के बाद कुछ याद का वाइब्रेशन विशेष देते हैं खेती में तो सब्जियों में बिना खाद डाले पैदाइश अच्छी होती है तो सत्युग में क्या होगा सत्युग में खाद डालेंगे क्या लेकिन जो भी पैदाइश होगी फल फूल सब्जियां होगी वो अच्छे होंगे या कीड़ों वाले होंगे उसका कारण क्या है अच्छे वाइब्रेशन हो तो होंगे देवताओं के वाइब्रेशन अच्छे होंगे तो पैदाइश भी नेचुरल सब अच्छी ही अच्छी होगी इंडिया में ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्टेशन तो खराब हो रहा है हाँ टक्कर हो रही है बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे भी तो संकल्पों में ट्रेन चलती है हैं संकल्प चलते हैं कि नहीं तो हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो कोई टक्कर नहीं होगी नहीं तो सब संकल्पों से वाइब्रेशन से कितनी भी टक्कर आपस में होती रहती है सेवा की जगह डिस्टर्बेंस हो जाती
बीआईटी ग्रुप अच्छे लाओ बाबा बीआईटी ग्रुप आ रहे ब्राह्मणों की बात नहीं बताई वीआईपी ग्रुप जो दुनिया के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं उनका संगठन तैयार करो जो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बन जाए तो हद में तो बेसिक में तो उन वीआईपी को करते हैं लेकिन बेलन में तो बाबा ने हम लोग को ये बताता है जो आत्मा पूरी ज्ञान से पवित्र होती है धारणा ये बता दिया ब्राह्मण की बात नहीं हो रही तो जो जो बाहर के भी बाबा उसके बात है एडवांस में भी इसका ही करा गया क्या एडवांस में तो सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है एडवांस वाले तो दुनिया वालों को महत्व नहीं देते इसीलिए तो बोल रहे बेसिक वाले दुनिया वालों को महत्व देते हैं वीआईपी को वो समझते हैं कि वीआईपी लोग निकलेंगे तो सेवा तो नहीं तो बाप दादा की प्रत्यक्षता हो जाएगी लेकिन बाप दादा की प्रत्यक्षता बाप दादा के बच्चे करेंगे या दुनिया वाले करेंगे दुनिया वाले बाप को पहचानते हैं वो तो पहचानते ही नहीं है तो प्रत्यक्षता कहाँ से करेंगे तो उनका उनकी बुद्धि में जो कार्य है जो कार्य करने के लिए उन्होंने ठानी हुई है वो कार्य करने के लिए उनको उनके वीआईपी सहयोग देंगे इधर वीआईपी को और हमारे जो वीआईपी है एडवांस के वो तो ज्ञानी तू आत्मा है योगी तू आत्मा है वो हमको सहयोग देंगे उनका ग्रुप से हमारे वीआईपी विजय मालम है और क्या जिनके लिए बोला है उनका आवाहन करो वो बाहर वालों को इकट्ठा करेंगे बाहर वालों को इकट्ठा करेंगे थ्योरी की यूनिटी बनाएगी जी या बातों से यूनिटी बन जाएगी थ्योरी की ही यूनिटी बनाती है संगठन बनाती है संगठन बनाने के लिए बोला है ना दशमी है अपने परिवार के लिए टाइम दो विशेष टाइम 10 मिनट अपने परिवार के लिए दे दो ये बात बताइए परिवार निर्विघ्न रहेगा तो दूसरों की सेवा अच्छी होगी एक और परिवार का वहाँ का जो उनका अपना परिवार है जिनको वो अपने स्नेही सहयोगी संबंधी समझते हैं यहाँ के लिए हमारा परिवार है परिवार की खुशहाली रहेगी तो दुनिया की खुशहाली हो सकेगी पारिवारिक इकाई से ही तू स्वर्ग बनेगा नई दुनिया बनेगी तो पहले पहला परिवार कोई तैयार होगा कितने लोगों का होगा आठ का होगा संगठन के बारे में बहुत विशेष संगठन तो हमें मालूम है संगठन बनता ही है प्योरिटी से जितना प्योरिटी के वाइब्रेशन होंगे प्योरिटी के संकल्प होंगे उतना वाइब्रेशन बढ़िया बनने से संगठन तो मजबूत हो गई महात्मा गांधी और प्रियंका गांधी है कौन है हमें तो सुना है गांधी तो एक ही है गांधी जो है उनका नाम क्या पड़ा मोहनदास करमचंद अर्थ क्या है शब्द का है गंध है ना शब्द गांधी गंध शब्द से बनता है गांधी जैसे ब्रह्मा से बना ब्राह्मण ब्राह्मण विष्णु से बना वैष्णव ऐसे ही गंध से बना गांधी कौन सा धर्म विशेष है जिस धर्म का वो मुखिया है
उन्होंने कौन सी गवर्नमेंट स्थापन की? कांग्रेस गवर्नमेंट स्थापन की। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसमें कौन से धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट में मुस्लिम ज्यादा है, न मुस्लिम ज्यादा है न क्रिश्चियन ज्यादा है। धर्म निरपेक्ष राज्य है उनका, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, माने किसी धर्म पर उनकी आस्था नहीं है। तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसको किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं रहती, सब धर्मों को छोड़ते रहते हैं? नास्तिक वालों में कोई धर्म ही नहीं, वो तो आर्य समाज। तो अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है इंडिया में? धर्म निरपेक्ष वालों की ही तो गवर्नमेंट चल रही है। ज्यादा लंबे समय तक किन्होंने राज्य किया? अभी गांधी के जमाने से लेकर अब तक भी कांग्रेस ने राज्य किया। तो दुनिया का सबसे घिरा हुआ धर्म आर्य समाज हुआ। तो वेद में भी नास्तिक ईश्वरीय ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हैं। वैदिक में भी ईश्वरीय ज्ञान का ज्यादा विरोध कौन से धर्म वालों ने किया? आर्यवादियों ने। और एडवांस में भी सबसे ज्यादा एडवांस ज्ञान का विरोध किसने किया? जगदीश भाई ने किया। सब कन्याओं को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी कि एडवांस वालों को क्या जवाब देना है, कैसे बाल में से खाल निकाल करके और उनको नीचा दिखाना है, कैसे उत्तर प्रत्युत्तर देना है। वो सीधे देखते हैं, तो किताब पढ़ते थे, फिर उत्तर निकालते थे, फिर वो ट्रेनिंग करते, वो ट्रेनिंग देते थे। तो उन्हें जो सिखाया गया वो सिखाने वाले आज जो धर्म है, जिस धर्म को फॉलो करने वाले वो लोग हैं, वो किसी धर्म पर आस्था रखने वाले नहीं है। उनका मुखिया हुआ, पिता कौन हुआ? उनका जनक हुआ गांधी। उनकी बेटी का नाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी। अंदर में डर भरा हुआ है, उल्टे पलटे काम किए, मुसलमान से शादी कर ली। तो वो तो हद के गांधी हुए, उनको कोई ने गोली मारी क्या और प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे ही बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी हुए हैं, जिनको कोई ने ज्ञान की गोली मार दी, ऐसी कोई बात कही जिससे उनका हार्ट फेल हो गया, शरीर छोड़ गए। उनके लिए मुरली में बोला है, गांधी ने शरीर छोड़ा और राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। क्या मुरली का महावाक्य है? जो साहूकार ने जन्म लिया, हाँ बता रहे। तो गांधी ने शरीर छोड़ा माना कृष्ण की आत्मा ने, ब्रह्मा की सोल ने, ब्रह्मा की आत्मा ने शरीर छोड़ा और कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार ज्ञान धन का होगा या स्थूल धन का होगा? यहाँ तो ज्ञान धन की बात, उस गांधी के लिए कौन से धन की बात है? वो स्थूल धन की बात, वो स्थूल राजकोट की बात है, और यहाँ बेहद का राजकोट है। तो बेहद का राजकोट
राजाओं का कोट माने किला, वेद का राजाओं का किला कौन सा हुआ? राजाओं का जो बेहद का संगठन है, किला माने संगठन, वो बेहद का किला संगठन कौन सा है? रुद्रमल। तो उस किले में, राजकोट में कृष्ण की आत्मा ने जाकर के जन्म लिया। साहूकार के यहाँ, साहूकार कौन है? रुद्रमाला में साहूकार कौन है? कौन है? रामली आत्मा। तो राजकोट में जाकर के कोई कांग्रेसी साहूकार के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो हमें मालूम है कि ब्रह्मा की सोल शंकर में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। रामनवमी का अर्थ है कि आठ कृष्ण जैसे बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात प्रसिद्ध हो गई। सतयुग में कितने नारायण होंगे? आठ नारायण होंगे। बचपन का नाम क्या? जो भी आठ नारायण होंगे उनके बचपन का नाम क्या होगा? कृष्ण। बड़े होने पर नारायण। तो वो आठ कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने के बाद नौवां जन्म किसका होता है? रामली आत्मा का। कृष्ण की जो परंपरा है नाम बदल करके नारायण बनने की, वो चेंज हो गई, इसलिए राम नवमी गाई हुई है। वो छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो वो राम वाली आत्मा अंत में जाकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। इसकी निशानी ये है कि जब मरते हैं, अंत समय होता है, तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, अंत समय में कहते हैं ना। तो ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में जब अंत समय होता है तब बाप की प्रत्यक्षता होती है। उससे पहले बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। सन सोज फादर, फादर सोज सन। तो कौन काम पहले करेगा? कौन किसकी प्रत्यक्षता पहले करेगा? बाप शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है। तो बाप अपना काम बच्चों को प्रत्यक्ष करने का पहले कर लेता है, फिर बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो नौवा नंबर लगता है जाके राम राली आत्मा का, इसलिए रामनवमी गाई हुई है। ये बात क्यों याद आ गई? रामनवमी कल थी क्या? परसों थी। राधा चंद्र वंशी है, जब स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी गाई जाती है, फिर यशोदा है, यशोदा का पास। राधा हो चाहे लक्ष्मी हो चाहे यशोदा हो, ये सतयुग के पाठधारियों के नाम है या संगम युग के पाठधारियों के नाम है? किसके नाम है? संगम युग के पाठधारियों के नाम है। तो संगम युग में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसको जन्म कौन देता है वो अलग, और जो पालना देती है वो अलग। ज्यादा महत्व तो किसका है? पालना देने वाली का ज्यादा महत्व है। तो जन्म देने वाली का नाम पड़ा देवकी। वो कारागार में रहती है, जेल में पड़ी रहती है,
दुनिया में कौन सी जेल है? यही विकारों की जेल है। माना जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो कोई ऐसी आत्मा है जो कृष्ण को जन्म तो देती है, पता चलता है कि संगम भी कृष्ण के रूप में ये व्यक्ति तो पार्ट बजाने वाला है, लेकिन उसको पालना नहीं दे पाती क्योंकि विकारों की जेल में चली जाती है। जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं कर पाती, बच्चे की सेवा होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती। जो विकारी होता है वो स्वार्थ पूर्ति करता है या परमार्थ कर पाता है? स्वार्थ पूर्ति करता है। तो वो कंस की जेल में दिखाई जाती है। कंस ने कोस लिया और वही कृष्ण बच्चा जब बड़ा होता है यशोदा की गोद में पल करके, तो यश देने वाली कौन गाई जाती है, देवकी या यशोदा? यशोदा। यश देने वाली गाई जाती है। तो सच्ची सेवा किसने की? यशोदा ने सच्ची सेवा की। बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस लायक बनाती है कि वो कृष्ण बच्चे से बदल करके बचपना उसका खत्म होता है। जो बाबा मुरली में बोलते हैं कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं बेबी? क्योंकि बच्चा बुद्धि है। जैसे बच्चे को जो चाहे सो घुमा दे बात करके, ऐसे ही अभी कृष्ण की सोल एडवांस की पढ़ाई भी पड़ती है, फिर बीज रूप स्टेज में आकर एडवांस की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कन्वर्ट हो जाती है, उधर बेसिक में चली जाती है। तो बीज रूप स्टेज वहां खत्म हो जाती है, देवहन की स्टेज आ जाती। जैसे मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर का दबाव दे करके गुलजार दादी में प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है, तो ये डबल पार्ट हो जाता है। वो बेसिक पार्ट वाले जो हैं, जो बेसिक में पार्ट बजाए रहे हैं, उनको मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाला कहें या उससे नीची स्टेज वाले, उनकी मनन चिंतन मंथन की स्टेज नहीं है और एडवांस में मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। छोटा बच्चा मनन चिंतन मंथन करेगा या बड़ा मनन चिंतन मंथन करेगा? तो ये यहाँ है स्टेज बड़े की। अब क्योंकि बाप का तो विरोध है, बाप बच्चों को साथ लेकर के चलेगा और आप समान बना करके चलते हैं। बाप आते हैं तो बच्चों को क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। तो कृष्ण बच्चा कृष्ण ही रहेगा या नारायण जैसी क्वालिटी हो जाएगी उसकी? नारायण जैसी क्वालिटी हो जाएगी। वो भी नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, ज्ञान जल रूपी घर में निवास करेगा। इसलिए यादगार भक्ति मार्ग में बना दिए कि क्षीर सागर में नारायण लेटा हुआ है और वो आराम से वहां मस्त रहता है। सुनाते तो कृष्ण वाली आत्मा सुनाती तो गुजर दादी में सारा एडवांस का ही है। जो ये तो समझने वाले की बात है ना, जो कुछ मुरली जो सुनाई गई वो सारी एडवांस की नहीं है, वो भी एडवांस की। ब्रह्मा के तन में जो शिव बाबा ने मुरली चलाई वो मुरली की महावाक्य एडवांस की नहीं है, सारे एडवांस के। लेकिन समझता कौन था एडवांस में? तो
जब समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं। कृष्ण की आत्मा की जो सूक्ष्म वाली आत्मा जो उसको दबा देती है, उसको धेय मान हो जाता है, मान लो उधर मोह हो जाता है, फिर सुनाता तो सारी इधर का ही है ना सब कुछ। शिव बाबा ने सारा इधर का ही सुनाया है कि उधर का ही सुनाया? इधर का ही सुनाया था। तो ही है। और बाबा आज जब और कॉल पे थका और था देर में क्या कल वहां पार जाए तो पार जा पार जाता है कि नहीं वृक्ष कि यही समाप्त हो जाता है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है वो इस कलयुगी दुनिया के पार जाता है या यही खत्म हो जाता है? पार जाता है, नया वृक्ष तैयार हो जाता है, पारिजात वृक्ष भी नाम है उसका। गणेश के साथ क्यों नहीं है? हर देवता की अपनी अपनी सवारी दिखाई गई है, किसके ऊपर सवार होता है? पुरुषार्थ में चलने के लिए, पुरुषार्थ में दौड़ने के लिए या उड़ने के लिए? कार्तिकेय तो मोर पर सवार होकर उड़ता है ना, चूहा उड़ता तो नहीं है? धीमी धीमी चाल होती है। तो चूहे वो आत्माएं हैं जो घर को खोखला कर देती है अंदर ही अंदर, गणेश उनके ऊपर सवारी कर लेता है। माने अपने एडवांस ज्ञान में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो बेसिक वालों को ज्ञान दे करके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सारे खोखला कर देती है। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चले गए। तो चूहा दिखाया जाता है, छोटा सा प्राणी लेकिन काम बहुत बड़ा करता है और संसार रूपी जाल को काट देता है। ऐसी आत्माओं के ऊपर जो शंकर जी का बच्चा बताया गया है, शंकर और शिव में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर? शिव है आत्मा, शिव क्या है? आत्मा। और शंकर, शंकर देवान में भी आता है, आत्मा भी है और शरीर भी है। तो उसका बच्चा जो पैदा होगा शंकर का, देवान वाला होगा या आत्माभिमानी होगा? सिर्फ शंकर का बच्चा, शिव का नहीं, देवान का ही बच्चा पैदा होगा। इसलिए शंकर के दो बच्चे बताए, एक कार्तिक है छह मुंह वाला, उसका मैल से एक मुंह से बात करेगा, ये छह मुंह से बात करेगा, छह मुंह से एक तरह की बात नहीं करेगा। सच्चा आदमी एक तरह की बात करेगा और झूठा आदमी छह तरह की बात करेगा। छह धर्म है ना मुख्य, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और सन्यास, मुस्लिम और सिख धर्म, ये मुख्य धर्म है ना विधर्मी है? ये विधर्मी छह मुख्य धर्मों की बातें करेगा, अरे भक्ति मार्ग की बातें करेगा। तो इसलिए उनका कार्तिक नाम पड़ा है। क्या करता है? टिक 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 बहुत करता है। और बाबा वो वैसे बात करता है उसको मोर का सवारी क्यों दिखा है? हाँ, इसलिए सवारी दी है कि वो टिक टिक करने वाला जो बच्चा है वो सब धर्मों का बीज है। क्या? जितने भी इस्लाम धर्म से लेकर के नीचे के नीचे नीचे के जितने भी विधर्मी धर्म है उन सब का बीज है। और वो बीज है तो विदेशी बीज,
लेकिन विदेशी बीज होते हुए भी हम देखेंगे कि दुनिया में जो मुख्य धर्म है विधर्मियों के बीच में इस्लाम धर्म, उसने हिस्ट्री में सबसे जास्ती राजाई की है। क्रिश्चियंस तो अभी 100-200 साल से दुनिया के ऊपर काबिज हुए हैं राज्य करने में, लेकिन पहले उनसे पहले दुनिया के ऊपर ज्यादा राजाई किसने की है? इस्लामियों। और जो राजाई है वो राजाई कैसे मिलती है? है? राजाई मिलती ही तब है जबकि पवित्रता के ऊपर कंट्रोल किया जाए। पवित्रता है तो ही है राजाई। अब कहेंगे इस्लामियों में कहां पवित्रता? तो अभी हिंदुस्तान में देख ले, हिंदुस्तान के राजाओं ने कलयुग में हजारों हजार सात सैकड़ों रानियां रखी, तो ज्यादा व्यभिचारी हुए कि कम व्यभिचारी हुए? ज्यादा व्यभिचारी हुए। यथा राजा तथा प्रजा, ये परंपरा चल पड़ी हिंदुस्तान में। राजाएं तो खुलेआम करेंगे, रानियों के साथ ऐसो आराम, प्रजा के पास इतनी धन संपत्ति और इतनी ताकत नहीं है तो वो क्या करेगी? वो छुप के करती है, चोरी से करती है। तो यथा राजा तथा प्रजा सब व्यभिचारी बने ना, पवित्र बने क्या पवित्र? और मुसलमानों में आज तक भी नियम बना हुआ है, व्यभिचारी भले हैं, शादियां अनेक भले करते हैं, लेकिन नियम बना हुआ है चार शादियों से ज्यादा कोई शादी नहीं कर सकता। तो ज्यादा पतित कौन हुए हैं? मुसलमान ज्यादा पतित हुए, हिंदू ज्यादा पतित हुए। इसलिए ये प्योरिटी जो है वो कहां से शुरू हुई उनमें? वही इस्लाम धर्म का जो बीज है कार्तिकेय, वो कंट्रोल करता है। वो सबसे बड़ा सन्यासी है कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये प्रवृत्ति मार्ग के हैं या सन्यास मार्ग के हैं? सब सन्यास मार्ग के। तो ये सन्यास मार्ग के हैं, तो उनका जो जन्म देने वाला बीज है, सब विधर्मियों का बीज, वो प्रवृत्ति मार्ग का होगा कि निवृत्ति मार्ग का होगा? निवृत्ति मार्ग का होगा। तो जो निवृत्ति मार्ग का है उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है, या जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं उनमें ज्यादा प्योरिटी है? अभी वर्तमान में, अभी तक भी द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक क्या देखने में आया, ज्यादा प्योरिटी का पालन किसने किया? सन्यासियों ने किया या गृहस्थियों ने किया? सन्यासियों ने किया, क्योंकि प्योरिटी की पावर है ना उनमें। इसलिए बाबा ने बोला कि सन्यासी अंत में जब निकलेंगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, जब तक वो नहीं निकलते हैं तब तक तुम्हारी जीत होने वाली नहीं है। तो वो हो गया सन्यासियों के बीच में मुख्य सन्यासी भीष्म पितामह। क्या बड़ा सन्यासी था ना, पावरफुल सन्यासी था ना। तो वो भीष्म पितामह, और वो मान्यता किसको देता था? भीष्म पितामह ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा मान्यता किसको दी? कृष्ण को मान्यता दी होती तो कृष्ण का पक्ष लेता, कृष्ण का साथी बन के रहता। मान्यता नहीं थी, मानता किसको था? मान्यता माने मान, ज्यादा मान मर्तबा अपने जीवन में उसने किसको दिया? कहां दिया? पांडवों को। प्रैक्टिकल जीवन में तो पांडवों को दिया ही नहीं, कहां सहयोग दिया? गंगा को। गंगा उसकी माता थी ना, तो गंगा को सबसे ज्यादा मानी जाती। गंगा भी अंत में निकलती है या पहले निकलती है? गंगाएं भी अंत में निकलेंगी,
जब गंगाएं निकलेंगी तो ये सन्यासी भी निकलेंगे गंगा के किनारे चौकड़ी मारने वाले। तो दोनों ही पवित्र है, विचारधारा वाली आत्माएं हैं या पवित्र आत्माएं? प्रैक्टिकल जीवन में चलो कैसी भी पवित्रता का पालन किया लेकिन पवित्र तो रहे, पवित्रता के प्रति मान तो रहा। तो इसलिए मोर की सवारी दिखाई जाती है, क्या ये सन्यासी ये गंगा जब पक्ष में आ जाएंगे, अभी विपक्षी में है, गंगा भी बेसिक में है, बेसिक वालों को पक्ष करती है, जैसे जगदम्बा पक्ष करती है बेसिक वालों को। अभी गीता का भगवान कौन है? उनके लिए भी कृष्ण है। ऐसे ही भीष्म पितामह भी, तो सन्यासी हो या गंगा हो, ये अंत में जब निकलेंगे ज्ञान को समझेंगे तो ये हमारी विजय होगी, हमारी विजय के निमित्त बनेंगे। इसलिए प्योरिटी को कार्तिकेय की सवारी दिखाई जाती है। गणेश को मैल से पैदा करने की विधि होगी कि मैल से पैदा हुआ बोलती पार्वती के मैल से पैदा, तो शंकर का बच्चा है फिर। जो देवान होता है वो ही शरीर का मैल है। पार्वती ने स्नान किया, स्नान करने से पहले ओबटन लगाते हैं शरीर में, उस ओबटन लगाने से देह का मैल माटी सारा ओबटन में इकट्ठा हो जाता है। उस मैल माटी को इकट्ठा करके उन्होंने एक मूर्ति कर दी। तो वो पैदाइश जो है वो जानवर की गिनी जाती है या देवता बनता है? है? क्या बनता है? है? देवता तो बनता है क्योंकि देवी के द्वारा उसकी पैदाइश हुई है, रचना हुई है। लेकिन देवता कैसा बनता है? मानवीय देवता नहीं बनता है, जानवर जैसा देवता बनता है। जय अभिमानी का शीश लगा दिया। जय अभिमानी जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे ज्यादा झूमने वाला जय अभिमान दिखाने वाला जानवर कौन होता है? मतलब माँ ने जो बोल दिया वही करूँगा, बाप सामने आ जाए तो ही नहीं बनेगा। तो बाद में बना, लेकिन पहले तो जो पैदाइश थी वो जानवर के स्वभाव संस्कार वाली पैदाइश थी ना, मुख तो नहीं था जानवर का। फिर बाद में क्या हुआ? शंकर ने काटा तो फिर वो बाद में मुख उसमें ऐड किया गया। तो वो देहाभिमान की एडिशन है, समझदार। कौन सा जानवर होता है सबसे जल्दी? अरे हाथी भी सबसे ज्यादा समझदार जानवर होता है, और जानवरों में इतनी समझदारी नहीं होती है। इसलिए गणेश को ज्ञान का देवता कहा जाता है। बाबा साइंटिस्ट बताते हैं एक पृथ्वी गोला है, साइंटिस्ट बताते हैं एक पृथ्वी गोला है, और बाबा ने मुझे बोला पृथ्वी गोला नहीं है, क्या ये गोला है? पृथ्वी गोल है, लेकिन बाबा कहते हैं सृष्टि गोल नहीं है। सृष्टि गोल नहीं है? बाबा कहाँ कहते हैं सृष्टि गोल नहीं है? मुरली में कहाँ कहा है सृष्टि गोल नहीं है? चक्र गोल नहीं है ये, सृष्टि चक्र गोल नहीं है, इसमें सृष्टि तो दिखाई गई है। देखो ये दुनिया का नक्शा दिखाया गया कि नहीं? बाबा वो तो है, फिर वो सतयुग देवता में तो लाइट ही लाइट रहता है ना, सतयुग देवता में अंधेरा नहीं होता है ना, अंधेरा नहीं, फिर जब गोल घूमेगी तो अंधेरा हो जाएगा ना।
अरे इधर सूर्य चमक रहा है, इधर ये गोल गोल पृथ्वी है, अभी आधे हिस्से में सूर्य है, रोशनी है, फिर जब पृथ्वी घूम जाएगी तो अंधेरा सामने आ जाएगा ना। यहाँ सूर्य उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अभी चमक रहा है तो वहाँ भी 6 महीने का दिन होता है। अभी अभी पृथ्वी की ऐसी हालत है, पृथ्वी का कोई हिस्सा ऐसा भी है जहाँ 6 महीने का दिन होता है। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। जैसे ये गोला है, यहाँ सूर्य चमक रहा है तो सामने की ओर तो रोशनी रहेगी ज्यादा, और जो ऊपर का हिस्सा है उसमें भी रोशनी रहेगी, फिर ये सामने का हिस्सा घूम के इधर आ जाएगा, घूमती है ना, तो सामने का हिस्सा घूम के इधर आ गया तो भी जो ऊपर का हिस्सा है उसमें रोशनी रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले भी थी, अभी भी रहेगी, रात में भी रहेगी, दिन में भी रहेगी। और पृथ्वी तो टेढ़ी है, तो टेढ़ी होने के कारण जो ऊपर का हिस्सा है वो रोशनी में रहेगा, घूम के इधर आ जाएगा तो भी रोशनी में रहेगा। इसलिए 6 महीने पृथ्वी उत्तरायण रहती है और 6 महीने दक्षिणायण, माने सूर्य 6 महीने उत्तर की ओर ज्यादा चमकता है और 6 महीने दक्षिण की ओर ज्यादा चमकता है। अब ये बेहद में रख लो इस बात को, बेहद में कहते हैं जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शरीर छोड़ने का प्रतिज्ञा ले ली कि हम उत्तरायण में ही शरीर छोड़ेंगे, क्या दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दक्षिण के जितने भी पृथ्वी के प्रदेश हैं वो सब इस्लामी धर्मखंड है, विधर्मी है। जो भारत देश है वो उत्तर साइड में, इसलिए सूर्य जब उत्तर की तरफ चमकेगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। अभी भी तो इससे सुबह मानते हैं, अभी भी अंधेरे में श्री कृष्ण के बाया पैर पर लाल रंग दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण के बाया पैर पर लाल रंग दिखाई देता है, देश का अर्थ क्या है? बाया जो होता है वो अच्छा होता है कि दाया अच्छा होता है? दाया अच्छा होता है और बाया अच्छा नहीं, तो बाया जो अच्छा है अच्छा नहीं होता है उसका कारण क्या है? वो विनाशकारी माना जाता है, बाएं हाथ से गंदे काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, और दाएं हाथ से दान धर्म का काम करेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि दाया हाथ अच्छे कर्म करने वाला माना जाता है और बाया हाथ निष्कष्ट कर्म करने वाला माना जाता है। तो पांव भी ऐसे ही है, जो दायां पांव है ना, दायां पांव, बायां पांव में जाता है, हाँ बायां पांव यूं खड़ा रहता है, और जो दायां पांव है वो ऐसे गया, माने जिसमें मोल्डिंग पावर ज्यादा है वो तो अपने को मोल्ड कर लेता है, और जिसमें मोल्डिंग पावर नहीं है वो सीधा ही खड़ा रहेगा। तो देवताओं में ज्यादा मोल्डिंग पावर है या असुरों में ज्यादा मोल्डिंग पावर है? देवताओं में मोल्डिंग पावर ज्यादा है, जो सच्चे दक्ष के दाई ओर के धर्म है वो मोल्डिंग पावर वाले हैं, और जो बाई ओर के धर्म है वो अपने को मोल्ड नहीं कर पाते। भगवान भले भी आ जाए तो भी अपनी आसुरियत को छोड़ नहीं पाते, इसलिए वो लाल रंग दिखाया गया है। वो विदेशी जो है विनाश के निमित्त बनते हैं, क्रांति के निमित्त बनते हैं। बाप भी इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है। यादवों का हेड कौन है? अरे यादवों का हेड शंकर। और महाभारत में भी यादवों का मुखिया कौन दिखाया है? कृष्ण।
तो विनाश कौन करते हैं? एटम बम कौन बनाते हैं? यादव ही बनाते हैं। सारा वसुधा ही उनका कुटुंब है, जो भी वहाँ प्रजा होगी, जो भी वहाँ दास दासी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सेवा करने वाले होंगे ना, वो सब बच्चे की तरह होंगे। आजकल जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े मिनिस्टर, उनके जो दास दासी होते हैं उनको वो अपना बच्चा समझते हैं? नहीं समझते। लेकिन सतयुग में जो नारायण होगा और उसके परिवार में जो भी दास दासी का कर्म करने वाले होंगे, वो उनको ऐसे समझेगा कि जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं। जैसे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के ऊपर सब आर्डर चलाते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन, तो किसी के आर्डर के उल्लंघन करता है? नहीं करता है, सबका काम करता है ना। तो दास दासी हुआ ना, लेकिन दास दासी की भावना रहती है? नहीं। कौन सी भावना रहती है? सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार के भांति है ये सब। तो उसकी फाउंडेशन अभी हमको डालनी है। अभी बाबा हमको सिखा रहे हैं क्या, यहाँ दास दासी बना के रख लेंगे तो वहां दास दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है कि कान पकड़ के चल इधर, चल इधर बैठ इधर, नहीं। क्या आप चलेंगे? क्या आप इधर बैठेंगे? कैसे पहचानेंगे हम? क्या पहचानेंगे? यहाँ संस्कार पक्के हो जाएंगे, जो दास दासी बनने वाले होंगे उनके यही संस्कार पक्के हो जाएंगे। नई दुनिया में पहुंचते पहुंचते वो समझेंगे कि हमने ऐसे खराब कर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, क्या हमने दूसरों को डांट डपट से चलाया है, इसलिए हम ईश्वरीय मर्यादा अनुकूल नहीं चले हैं, इसलिए हमारा ये पद बना। उनके अंदर ये संस्कार पक्का हो जाएगा कि हमको दास दासी ही बनना चाहिए। जैसे एडवांस पार्टी शुरू हुई, एडवांस ज्ञान शुरू हुआ, तो उसमें सन 76 में चार बीज रूप आत्माएं थी कि नहीं है? चार धर्मों के बीज थे ना, उनमें एक जो है वो देवता धर्म का बीज है और बाकी तीन इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। तो जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं वो एडवांस पार्टी में अब तक भी विरोध कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं? डिससर्विस कर रहे हैं। अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो वो भगवान का स्वरूप साबित हो जाएगा, राम की राजगद्दी स्थापन हो जाएगी, और वो तीनों क्या करेंगे, चित्रों में क्या दिखाया गया है राम की राजगद्दी में? एक पंखा हिला रहा है, एक पांव धो रहा है, एक छाता लिए खड़ा है। क्या ये भाई नहीं है? है तो भाई, लेकिन बड़ा भाई बाप समान मान लिया जाता है कर्मों के आधार पर। इस बड़े भाई ने पूर्व जन्म में ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसके आधार पर ये इस जन्म में आकर के बड़ा भाई बन गया और हमको छोटा भाई बनना पड़ा। हमने खराब कर्म किए इसलिए हमें इसकी लल्लू चप्पू करनी पड़ेगी। ये फाउंडेशन बढ़ रहा है अभी, जैसे उन चार का वैसे ही सभी का। अंतिम समय में तो हमारे देह वाल को हमने यहाँ छोड़ के जाएगी, छोड़ेंगे हाँ। छोड़ने के बाद हाँ। हम वहाँ जाके हमें याद कैसे रहेगा कि अभी इस जन्म में सारा पक्का 84 जन्म याद आ जाएगा ना, वहाँ याद करने की जरूरत है। वहाँ देवताओं को अगर याद रहे कि हमको अगले जन्म में ऐसे नीचे गिरना है, या पिछले जन्म में हमने पुरुषार्थ किया था, या पिछले जन्म में भगवान मिला था, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल भूल जाएंगे। हाँ जी, ये सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण जन्म सबसे ऊंचा है क्योंकि यहाँ हमें स्मृति रहती है कि हमें बाप मिला है,
देवताओं को स्मृति नहीं रहेगी कि हमने ये प्रारब्ध कहाँ से पाई। वो खेती कैसे होगा बाबा जी? छह महीना रात, 6 महीना दिन ऐसा बोलते हैं। तो मैंने रात में खेती नहीं होती बोलते है ये देखे थी सूर्य का जो किरण थे फल फसल अच्छे रहते हैं। वहाँ तो 24 घंटे सूर्य की किरण पड़ेगी तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। छह महीना माने द्वापर कलयुग और 6 महीना माने सत्यपुत्र त्रेता। हाँ और बाबा भूलने में कहा है कि सत्य में तुम बच्चे नंगे नहीं होते। नंगे नहीं होते सत्युग में जब कोई काम किया जाता है तो उसका कोई कारण होता है कि नहीं है? कोई काम होता है तो उसका कारण होता है कि नहीं? बिना कारण के कोई काम किया जाता है? आज हम ये दीवारें बनाए बैठे हैं, दरवाजे लगाए बैठे हैं, ये दीवारें और दरवाजे किस लिए लगाए? माने चोर डकैतों से हमको डर है ना, गर्मी सर्दी इस दुनिया में, सर्दी गर्मी बरसात इससे हमारी सेफ्टी हो रही है ना। और जो हम गुप्त में देवानु भोगते हैं, देवान का सुख भोगते हैं, विकारी सुख, वो सुख हम सबके सामने नहीं भोगना चाहते ना, इसलिए हमें दीवाले चाहिए ना, चाहिए ना। और वहाँ ये कोई कारण नहीं होगा, वहाँ विकार होंगे, विकारी भोग, विकार भोगने के लिए हमें चार दीवारी बनाने की जरूरत है? नहीं। वहाँ सर्दी गर्मी बरसात होगी? नहीं होगी। वहाँ शेर चीतों से और चोर डकैतों से हमको डर होगा? नहीं होगा। जरूरत क्या है नंगे हो? अरे वहाँ जो विकारी इंद्रियां हैं विकार पैदा करने वाली वो ही नहीं रहेंगी। अभी भी की दुनिया में हिस्ट्री में हम थोड़े साल की परिस्थिति देखते हैं तो आधी मतलब दिखाते कपड़े पहनते नहीं थे बिल्कुल भी। बोलो तो वो बात छोड़ो अभी बात छोड़ो अभी 50 साल पहले की बात हम देखें। 50 साल पहले जो बच्चे थे वो 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे नंगे रहते थे। अब क्यों नहीं रह पाते नंगे? क्योंकि देवभान बढ़ गया ना। ये तो इतने 50 साल के अंदर इतना परिवर्तन हो गया, तो पहले भी कितना, तो 2000 साल के पहले क्या हालत होगी? नहीं होगा नंगे, वहाँ कोई ऐसा भान ही नहीं रहता। देवभान शरीर रूपी वस्त्र इतना सुंदर मिला हुआ है तो ऊपर से वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? किसी का पेट बड़ा है, टांगें बड़ी है, किसी का मोटा मोटा है, तो उसको सुंदर दिखाने के लिए चारों तरफ से पहना पहनूंगी बढ़िया कर लिया कि सबको अच्छा दिखाई पड़े। देवान को छुपाने के लिए सब हो रहा है ना। बाबा बाबा ने बोल दिया भक्ति दीदार के, भक्ति का दीदार के लिए बाबा ने बोल दिया। दीदार क्या है बाबा? दीदार माने दीदा, ये आंखें, दीदा माने आंखें, दीदार माने आंखों से जो देखते हैं वो दीदार। भक्ति के देखने के लगी, दर्शन करने वाली जो अभिलाषा है वो सब भक्ति है। हमें मालूम है ये दुनिया सब भस्म होने वाली है, इन आँखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब क्या होने वाला है? भस्म होने वाला है। तो क्या देखें इसको? ना हमें ध्यान की चिंता है, ना हमें दीदार की चिंता है, ना हमें कोई भोग भोग की चिंता है। भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार, खत्म। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। बिल्कुल रह जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले कौन तुम्हारी नजर? तुम्हारी नजर में अंदर वाले कौन? जो बाबा के साथ रहते हैं वो अंदर वाले। अच्छा अभी की बात छोड़ दो, बेसिक में क्या हुआ? क्या हुआ बेसिक में? अंदर वाले
एडवांस ज्ञान लेने से रह गए और बाहर वाले ले रहे हैं सर, वो आ रहे हैं ले गए, लेकिन वहाँ बात दूसरी थी। क्योंकि बाप जो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए आया हुआ है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए आया हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग वाले वहाँ जितने भी रहे पड़े हैं सरेंडर हो करके, वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो वो तो भगवान की नजरों से बाहर हो गए या अंदर है? लेकिन जो मतलब जैसे बेसिक में बहने हैं जो निकल रही है, तो वो तो प्रवृत्ति की जो नहीं कर रही, जो निकल रही है उधर से, मतलब बेसिक में जो बहने होती है उनकी बात अलग, वो कौन सी, वो क्या हुई, वो उनकी बात अलग हो गई, वो तो प्रवृत्ति में आ गई। अब जो इधर आ गए हैं जो सारे के सारे ही प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, या तो लौकिक में उनकी कोई प्रवृत्ति है, या तो माँ बाप के अंदर में प्रवृत्ति में है, बच्चों को प्रवृत्ति में कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, माँ बाप के अंदर में है, लौकिक में है तो क्या है, तो प्रवृत्ति, या तो पति के अंदर में प्रवृत्ति में तो है। अच्छा चलो, माँ बाप का घर भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ा नहीं, लेकिन पति ने स्वयं सरेंडर कर दिया, परमिशन दे करके बाप की बन गई, बाप की बन गई, माता है तो भी बाप की बन गई, कन्या है तो भी बाप की बन गई, तो प्रवृत्ति मार्ग में हुई या निवृत्ति मार्ग में? ये तो बेहद का प्रवृत्ति मार्ग है बाप का। तो यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति की बात नहीं रही, लेकिन फिर भी जो अंदर दुनिया के नजरों में अंदर रहे पड़े हैं, माने बाबा के सामने बाबा के घर में सरेंडर तो हो गए हैं, दुनिया समझ रही है सरेंडर हो गए, लेकिन अंदर से उनकी बुद्धि घर में भाग रही है, पति के पास भाग रही है, संबंधियों के पास भाग रही है, या कोई कन्या है जिसने लवर बनाया हुआ है उस लवर की तरफ भाग रही है, या घर का खान पान तो, कुछ भी मतलब तो वो अंदर की है या बाहर की है? बाहर की, तो बाहर की हो गई, उसकी शूटिंग तो बहिर्मुखी हो गई, तो वो बाहर की रह गई, और जो अंदर के हैं असल अंतर्मुखी होकर के रहते हैं क्या? तो यहाँ सारा ही उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अंदर वाले रह जावेंगे का मतलब क्या हुआ? हाँ यही तो बताया कि यहाँ अंदर वाले कौन है, अंदर वाले रह जावेंगे, कहाँ रह जावेंगे? बाप के पास। हाँ बाप के पास रह जावेंगे, 16,000 की लिस्ट में आ जावेंगे, परिवार में आ जावेंगे, किस परिवार में? राज परिवार में आ जावेंगे, और जो बाप के बने ही नहीं रह जावेंगे। हाँ बाहर की दुनिया में रहते हुए भी घरग्रस्त के अंदर है, गीता पाठशाला चला रहे हैं, जैसे बाबा चलाता है वैसे ही चलते हैं, उनसे कहा जाए आ जाओ तो आ जाएंगे, उनसे कहा जाए नहीं गीता पाठशाला चलाओ 2 साल और चलाओ तो चलाएंगे, उनसे कहा जाए जमीन ज्यादा है तो बेच दो तो बेच देंगे, उनसे कहा जाए मकान नहीं बनाओ तो नहीं बनाएंगे, एक दो पॉइंट कट नहीं करेंगे, तो वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर वाले हुए, बाप की नजर में अंदर वाले के भी अंदर है, बाहर होते हुए भी अंदर वाले, तो वो मुझ पर नहीं पाएंगे, ले जाएंगे अंदर। हाँ सदगुरु निंदक ठौर न पावे, जो सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे, श्रीमत पर न चलने वाले होंगे, उनको ठौर नहीं मिलेगा, वो अंदर नहीं रह सकते, ठौर में जो बाप के बाप का जो ठौर है वो नहीं मिलेगा, जो बाप संगठन बनाता है उसमें ठौर नहीं, जो नई दुनिया क्रिएट करता है उस नई दुनिया में उनको ठौर नहीं मिलेगा, उनको कहा जाएगा जाओ तुम इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के बीज रूप आओ ना, तुमने विरोध किया ना हमेशा, बाप की बदनामी कराई ना, जाओ विदेशों में जाओ और वहाँ इस्लामी और बौद्धियों और क्रिश्चियंस की सेवा करो, सेवा करो, इकट्ठा करो, हाँ उनकी ठोकरें खाओ जाके।